कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर घोषणाएं भी की और घोषणा पत्र जारी किया है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार ने कोई काम नहीं किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जहां सरकार विफल है वहां कांग्रेस विकास करेगी। मुद्दा है, पानी है, बिजली है, सड़क है, स्वास्थ्य है, सफाई है, यही सारे मुद्दे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। निकाय चुनाव में कोई भी बड़ा चेहरा प्रचार करने के लिए यहाँ पे आएगा? प्रियंका गांधी हो गई, सोनिया गांधी जी हो गई, राहुल गांधी, कोई भी आएगा? देखिए, ये हकीकत में चुनाव तो ये हमारे स्थानीय चुनाव हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव, स्थानीय स्तर के नेताओं और वर्करों का है। कोई ऐसा नहीं है कि प्रचार करने। सीएम योगी कर रहे हैं कर्नाटक में दौरा। हाँ तो करें, उन्हें जाना है, सरकार के मुख्यमंत्री हैं और चुनाव तो वहाँ पर बीजेपी भी लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही है, और भी दल लड़ रहे हैं, तो सीधे सीधे मुकाबले में हैं। तो योगी और मोदी और सभी लोग जाएंगे। जब सब वो जा रहे हैं तो हम भी सब लोग ले जा रहे हैं। हमारे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ हैं, हमारी भी नेता प्रियंका गांधी जी वहाँ हैं, राहुल जी भी वहाँ पे। चुनाव में तो सभी नेता जाते हैं, सभी दलों के नेता जाते हैं। सर, जिस तरीके से बीजेपी अपना प्रचार कर रही, अन्य दल अपना प्रचार कर रहे हैं निकाय चुनाव में, आप लोग कब जा करके प्रचार वगैरह करेंगे? प्रचार जारी है, हमारा प्रचार जारी है, हम भी लगातार प्रचार में हैं। हमारे जितने भी नेता हैं प्रदेश स्तर के सारे नेता हमारे प्रचार में लगे हुए हैं। जहाँ जहाँ पर हमारे नगर पालिका, नगर पंचायत और मेयर बनेंगे उन एरियाज में पीने का शुद्ध पानी हम निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। धार्मिक स्थानों और पार्कों का सुंदरीकरण, पर्यावरण की उच्च गुणवत्ता का पालन, हर गरीब बेसहारा निःशक्त जन को इंदिरा कैंटीन के माध्यम से मुफ्त भोजन की व्यवस्था की जाएगी। जहां पर हम जीत के आएंगे, हर निगम नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए उच्च कोटि के पुस्तकालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए हर प्रकार के अखबार एवं पत्रिकाओं की व्यवस्था होगी। जहां पर हम जीत के आएंगे, छुट्टा जानवरों से पूर्ण रूप से निजात हेतु आश्रय स्थल का निर्माण कराया जाएगा। जैसे शहरी क्षेत्र में जो अन्ना जानवर रहते हैं, तमाम एक्सीडेंट हो जाते हैं, उनकी व्यवस्था के लिए इनके लिए आश्रय बनाए जाएंगे। संचारी रोग के रोकथाम के लिए समय समय पर दवाओं एवं कीटनाशकों का नियमित रूप से छिड़काव कराया जाएगा।